हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाया यानी 18 महीने के एरियर और 31% DA और DR पर बहुत बड़ी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर आ रही है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा आपका 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर हिट करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू आगे वॉच कर पाएंगे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ये 18 महीने के एरियर और 31% DA की खबर को हम बाद में देखेंगे, पहले और भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसको देख लेते हैं, देन हम आपको वो न्यूज़ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं खुशखबरी, त्यौहार से पहले 6 करोड़ लोगों के खाते में पैसा जमा कर रही है सरकार, फटाफट चेक करें बैलेंस। आप देख सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए एक अच्छी खबर है। EPFO त्यौहार से पहले सब्सक्राइबर के खाते में 8.5% ब्याज का पैसा डालने की तैयारी में। EPFO ने एक ट्वीट के जरिए खुद ये जानकारी दी है। आप देख सकते हैं वो ट्वीट भी दिया है यहाँ पे, खाते में आएगा 8.5% ब्याज का पैसा। ट्विटर पर यूजर्स के सवालों का जवाब देते हुए EPFO ने कहा कि इसकी प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्दी ये दिखने लगेगा। EPFO ने कहा कि अकाउंट में जब भी ब्याज के पैसों को क्रेडिट किया जाएगा वह एक साथ ही जमा किया जाएगा, किसी के भी ब्याज का नुकसान नहीं होगा, इसलिए कृपया धैर्य बनाए रखें। हालांकि EPFO ने अपने इस ट्वीट के बारे में ये नहीं बताया कि प्रोविडेंट फंड के ब्याज का पैसा कब अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज की मंजूरी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के अंत में PF का 8.5% ब्याज ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बाकी आप ट्वीट देख सकते हैं EPFO ने जो ट्वीट किया है। अब बात कर लेते हैं 31% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, तो इसका अनाउंसमेंट जल्दी से जल्द देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ में 3% बढ़ोतरी के साथ यानी कि 28 से 31% की बढ़ोतरी के साथ में आपको महंगाई भत्ता प्रोवाइड कराया जाएगा। और बात करें 18 महीने के DA/ARS की, तो उस पर जो है सरकार से कर्मचारी यूनियंस और फेडरेशन कंटिन्यू बात कर रही हैं, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बता देंगे। लेकिन जो सरकार से और भी आज जो है कई सारी चीज़ें हो रही हैं इस DA/ARS को लेकर, आगे उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट जरूर आएगा, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं।